बंगाल के चुनावी जंग में पोस्टर वॉर, टीएमसी के हमले के जवाब में बंगाल बीजेपी ने अपनी 9 महिला नेताओं का पोस्टर जारी किया। लिखा, बंगाल अपनी बेटियों को चाहता है, बुआ नहीं। ममता बनर्जी पर कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा हमला, कहा कि ममता ने बुआ बन करके लोगों को ठगा। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, बंगाल में सब कुछ ठीक नहीं हो रहा। अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग करते हुए कहा, हिंसा फैलाने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। 8 चरणों में चुनाव के ऐलान से बौखलाई टीएमसी, 9-24 परगना के बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़ की। पश्चिम बंगाल के कड़ापारा में बीजेपी के प्रचार वैन में तोड़फोड़, टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर तोड़फोड़ और चोरी का आरोप, बीजेपी ने दर्ज करवाई एफआईआर। बंगाल में 8 चरणों में चुनाव कराने के ईसी के फैसले पर सीएम ममता बनर्जी ने जताया एतराज, बीजेपी की सहूलियत के हिसाब से तारीखें करने का लगाया आरोप। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीपीएम और टीएमसी पर बंगाल को बर्बाद करने का आरोप लगाया, कहा 44 सालों में इन दोनों पार्टियों ने मिलकर बंगाल को तबाह कर दिया। ममता के आरोपों का भी राजनाथ सिंह ने दिया करारा जवाब, कहा कि बंगाल में निश्चित ही खेल होगा लेकिन वो खेल विकास का होगा। चुनावी हिंसा पर बीजेपी नेता अर्जुन सिंह का ममता पर हमला, कहा ममता दीदी का नाटक सामने आया, बंगाल में अंधेरे में गाड़ियां तोड़ी जाती। कांग्रेस ने भी असम और बंगाल में 7 से 8 चरणों में चुनाव कराए जाने पर उठाए सवाल, राशिद अल्वी ने कहा कि चुनाव आयोग को ईमानदारी से चुनाव कराना चाहिए। गुलाम नबी आजाद ने कहा, कांग्रेस सभी 5 राज्यों में डटकर चुनाव लड़ेगी, आजाद 28 फरवरी तक जम्मू के दौरे पर। कोलकाता में अर्थ फेस्टिवल की शुरुआत, राज्यपाल जगदीप धनखड़ और जी मीडिया के सीईओ पुरुषोत्तम वैष्णव ने दीप जलाकर किया शुभारंभ। कोलकाता में आयोजित अर्थ फेस्टिवल में बोले राज्यपाल जगदीप धनखड़, कहा बंगाल की संस्कृति का कोई मुकाबला नहीं। किसान आंदोलन के बीच योग गुरु बाबा रामदेव का बड़ा बयान, कहा कि कृषि कानून को 3 साल के लिए स्थगित कर देना चाहिए। किसान नेता राकेश टिकैत ने मेरठ मंडल के सभी पदाधिकारियों को आज गाजीपुर बॉर्डर पर बुलाया, आगे की रणनीति पर चर्चा। दिल्ली के सभी बॉर्डर पर आज मनाया जा रहा है मजदूर किसान एकता दिवस, गुरु रविदास जयंती और शहीद चंद्रशेखर आजाद के शहादत दिवस पर आयोजन। बागपत के बमनोली गांव में आज राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष अजीत सिंह की किसान पंचायत, दिल्ली के सम्राट सूरजपाल की जयंती के मौके पर आयोजन। मेरठ के मवाना में भी राष्ट्रीय लोकदल की किसान महापंचायत जयंत चौधरी किसानों को करेंगे संबोधन। पीएम मोदी ने किया देश का पहले वर्चुअल टॉय फेयर का शुभारंभ, खिलौना निर्माताओं से पीएम मोदी ने किया संवाद। खिलौना मेले के उद्घाटन के बाद बोले पीएम मोदी, बच्चों के विकास में खिलौने की भूमिका को समझे माता पिता और अध्यापक। भारत के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए अगले सप्ताह सम्मानित होंगे प्रधानमंत्री मोदी, एक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा समिट के दौरान किया जाएगा सम्मानित। जम्मू में कांग्रेस के G23 नेता का मंथन, आजाद सिब्बल समेत तमाम बड़े नेता बैठक में मौजूद रहे, राहुल गांधी के उत्तर दक्षिण बयान पर रख सकते हैं स्टैंड। संत रविदास की जयंती के मौके पर देशभर में श्रद्धांजलि का दौर, लखनऊ में सीएम योगी ने मंदिर पहुंचकर अर्पित की पुष्पांजलि, कहा उन्होंने सनातन परंपरा को नई ऊंचाई दी। वाराणसी में रविदास मंदिर में नेताओं का जमावड़ा, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविदास मंदिर में टेका मत्था। माघ पूर्णिमा पर हरिद्वार, प्रयागराज, मथुरा और वाराणसी में भी पवित्र स्नान, ब्रह्म मुहूर्त से ही लाखों श्रद्धालु लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। मथुरा के वृंदावन कुंभ में अखाड़ों का शाही स्नान, धूमधाम से शहर में निकली तीनों अनी अखाड़ों की शाही सवारी। प्रयागराज के संगम तट पर श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा, माघ पूर्णिमा के अवसर पर मेला प्रशासन की ओर से किया गया इंतजाम, श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह। एक बार फिर बर्फ की सफेद चादर से ढके जम्मू कश्मीर के कई इलाके, श्रीनगर और गुलमर्ग में भारी बर्फबारी। फिर से बढ़ने लगा कोरोना का कहर, 24 घंटे में देश में 16,000 से ज्यादा केस, 113 लोगों की मौत। राजधानी दिल्ली में भी एक बार फिर कोरोना पसारने लगा है अपने पैर, महज एक हफ्ते में कोरोना के 206 एक्टिव मामले सामने आए हैं, एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर के 1,231 हुई। दिल्ली में मामूली विवाद में महिला और उसके बेटे पर चाकू से हमला, पड़ोसी पर हमले का आरोप। दिल्ली में प्रताप नगर की एक फैक्ट्री में भीषण आग, एक मजदूर की आग से झुलस करके मौत हुई, लाखों के नुकसान की आशंका। महाराष्ट्र के वर्धा और यवतमाल में लगा कर्फ्यू, आज शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 9 बजे तक रहेगा कर्फ्यू, आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। सूरत में टेम्पो के पिछले रस्सी से बात करके शख्स को घसीटने का वीडियो हुआ वायरल, शख्स की पत्नी और उसके भाई पर लगा है घसीटने का आरोप। सूरत में आंबोली तापी नदी के ब्रिज के ऊपर से कूद कर युवक ने की आत्महत्या, कैमरे में कैद हुआ वीडियो। कोविड वैक्सीन न लगवाने वाले 65,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स के खिलाफ यूपी सरकार सख्त, चिन्हित कर 15 दिनों में कार्रवाई के निर्देश। टिहरी में ऋषिकेश श्रीनगर हाईवे पर अचानक पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर सड़क पर गिरा, लैंडस्लाइड होने से सड़क पर आवागमन बाधित। चमोली में तपोवन टनल से मलबा निकालने का काम अभी भी जारी है, टनल के अंदर से पानी निकालने के लिए पंप का इस्तेमाल किया जा रहा है। कासगंज में माघ पूर्णिमा के स्नान के दौरान हादसा, गंगा स्नान करने आए 5 लोग डूबे, 3 को बचाया, 2 की तलाश जारी। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मां विंध्यवासिनी के धाम में विधिवत पूजा अर्चना की है और चांदी की मुंडा माला मां को अर्पित की।
यूपी के सीतावरण मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला के साथ गैंग रेप कर जिंदा जलाने की कोशिश, गंभीर हालत में अस्पताल में करवाया गया है भर्ती। मुजफ्फरनगर में शराब पार्टी ने ली युवक की जान, वीडियो बना रहे भांजे को मामा ने मारी गोली, वीडियो वायरल होने के बाद जांच में जुटी पुलिस। आगरा में एक बार फिर हर्ष फायरिंग की घटना, शादी समारोह में फायरिंग करने वाला शख्स के पास कई लोग खड़े दिखे, वीडियो हुआ वायरल। बुलंदशहर में सड़क हादसे में एक युवक की मौत और एक घायल, दो बाइक सवारों की आमने सामने से हुई टक्कर। काशीपुर के मिश्रावाला में रसोई गैस के सिलेंडर में आग लगने से अमरूद का बाग खाक, झोपड़ी में सो रहे युवक की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। हापुड़ में एनकाउंटर के बाद गैंगरेप का आरोपी गिरफ्तार, तीनों आरोपी पुलिस की गोली से जख्मी, युवती का अपहरण कर ऑटो में गैंगरेप का आरोप। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में दो बदमाश गिरफ्तार, एक को लगी गोली, दोनों बदमाश बैंक लूट में शामिल। मिलावटखोरी पर मिलेगी उग्र कैद की सजा, मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार का सख्त फैसला। मुरैना में रेत माफिया पर शिकंजा, चंबल नदी के किनारे इकट्ठा की गई 1 करोड़ की रेत नष्ट, मौके पर प्रशासनिक अधिकारी समेत 500 पुलिस बल रहे मौजूद। रायपुर के औद्योगिक इलाके में आग का तांडव, सर्जिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, सर्जरी के लिए फैक्ट्री में बनती है रुई। एमपी के सागर में किसान ने बकरियों पर लगाया 70,000 की फसल खाने का आरोप, बकरियों को थाने लेकर पहुंचा फरियादी किसान, बकरी मालिक की तलाश में जुटी पुलिस। एमपी के छतरपुर में अंजुमन इस्लामिया कमेटी सदर काजी फरमान, अगर शादी में डीजे पर डांस हुआ तो काजी निकाह नहीं पढ़ाएगा। मंदसौर में सहकारी समिति के प्रबंधक पर लोकायुक्त का शिकंजा, अब तक की कार्रवाई में ज्वेलरी, कैश और कई वाहनों समेत करीब 2 करोड़ की संपत्ति का खुलासा। देवास के सिरौलिया में रफ्तार का कहर, बारातियों से भरी बस बेकाबू होकर के पलट गई, हादसे में 2 लोगों की मौत, 36 घायल। राजस्थान के सीकर में पेट्रोल पंप के पास खराब ट्रक में पीछे से आ रहे ट्रक ने मारी टक्कर, इसके बाद पीछे से आ रहा डाक विभाग का वाहन भी टकराया, हादसे में 2 लोग घायल। पन्ना सिटी के जनता फ्लैट में पुलिस ने छापेमारी कर लूट की योजना बना रहे एक युवक को किया गिरफ्तार, देशी पिस्तल भी बरामद कर ली। आग आरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान बदमाशों ने एक युवक को मारी गोली, घटना से नाराज परिजनों ने आगरा आरा बढ़ारा मुख्य मार्ग को किया जाम। गुमला नरसंहार मामले में 8 आरोपी गिरफ्तार है, जादू टोना करने के शक में ग्रामीणों ने ली जान, बीजेपी ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना। पाकुड़ में माल पहाड़ी रोड के पास बेहद जहरीले कोबरा सांप के निकलने से अफरा तफरी, वन विभाग की टीम ने 5 फीट लंबे कोबरा को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। हजारीबाग के बरखंडा प्रखंड में हाथियों का आतंक जारी है, हाथियों ने 35 वर्षीय शख्स को कुचला, एक महिला लापता। आईपीओ लाने की तैयारी में SBI म्यूचुअल फंड जुटाएगा 7,500 करोड़ रुपए, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ये सबसे बड़ा आईपीओ होगा। 1 अप्रैल से खरीद सकेंगे स्टैंडर्ड पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, पॉलिसी के तहत कंपनियां 2.5 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का बीमा देगी। इंडियन ऑयल 33,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा, पानीपत रिफाइनरी की क्षमता बढ़ाएगा। घरेलू हवाई सफर सस्ता होगा, बिना लगेज सफर करने वाले एयर पैसेंजर्स को किराए में छूट मिलेगी, टिकट बुकिंग के वक्त ही ऑप्शन बताना होगा। 2025 तक डिजिटल स्किल्ड वाले कर्मचारियों की होगी भारी मांग, भारत में बढ़ेगी 9 गुना जरूरत। जियो का 2G मुक्त भारत कैंपेन, कंपनी ने पेश किया नया जियो फोन, 2021 ऑफर 1999 रुपए में, फोन के साथ 2 साल तक अनलिमिटेड डेटा और कॉलिंग मिलेगी। MSME और स्टार्टअप से आत्मनिर्भर होने का भारत, प्राइवेट उद्यमों को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित किया जाएगा। कोरोना के नए स्ट्रेन को देखते हुए फिलहाल भारत में जारी रहेगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक, सरकार ने 31 मार्च तक बढ़ाया बैन। इकोनॉमी के मोर्चे पर आई गुड न्यूज, तीसरी तिमाही में देश की GDP 0.4% रही, कोरोना की वजह से GDP माइनस में चल गई रहती। रोड सेफ्टी क्रिकेट वर्ल्ड सीरीज, 6 देशों की टीम के बीच होगा मुकाबला, इंडिया न्यूजीलैंड के लिए मैदान में उतरेंगे सचिन, सहवाग, युवराज। भारतीय क्रिकेटर यूसुफ पठान ने इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास, सोशल मीडिया के जरिए दिया भावुक संदेश, कहा सबके सपोर्ट के लिए धन्यवाद। अहमदाबाद की पिच को लेकर के पूर्व इंग्लिश बल्लेबाज केविन पीटरसन का बड़ा बयान, हिंदी में लिखी पोस्ट, कहा कि मैं इस तरह के विकेट की उम्मीद नहीं करता। वर्ल्ड चैंपियन हिमा दास बनी DSP, असम मुख्यमंत्री के सामने अपॉइंटमेंट लेटर और वर्दी मिली, हिमा ने कहा एथलेटिक्स करियर नहीं छोड़ेंगे। कंगना रनौत ने ऋतिक को फिर बताया अपना सीलैक्स, ऋतिक रोशन संग ईमेल कांच में फंसी है कंगना। टॉपलेस फोटोशूट पर ट्रोल हुई एक्ट्रेस दिव्या, कहा लोगों की मानसिकता गलत। सलमान ने फोड़ा Tiger 3 के मुहूर्त का नारियल, 8 मार्च से शुरू करेंगे शूटिंग। एक और ऐतिहासिक भूमिका में नजर आ सकते हैं शाहिद कपूर, छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमिका में दिख सकते हैं शाहिद। एक्ट्रेस जरीन खान ने कहा कि कैटरीना कैफ से तुलना ने करियर बर्बाद कर दिया, 50 किलो वजन घटाने के बावजूद भी मोटापे की वजह से आलोचना झेली। मिल गए लेडी गागा के डॉगी काजी और गुस्ताव, खोजने वाले के लिए गागा ने रखा $5 लाख का इनाम।
निर्माता अनुराग कश्यप की बेटी हो चुकी है यौन उत्पीड़न का शिकार। इंस्टाग्राम पर बताई आप बीती, कहा कि अधेड़ उम्र के शख्स ने किया था उत्पीड़न। तमिल फिल्म सोरा रई पोट्रू हुई ऑस्कर की रेस में शामिल, साउथ सुपरस्टार सूर्या और अपना का नाम भी ऑस्कर की रेस में दर्ज। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भीषण आग, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में लगी आग से करोड़ों का नुकसान हुआ, कई वाहनों में भी आग चपेट में आई। नाइजीरिया के स्कूल पर फिर हमला, बोको हराम के आतंकी 300 से ज्यादा लड़कियों को उठाकर ले गए, इस्लामिक शिक्षा न दिए जाने से नाराज। इराक में प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प हुई, पुलिस की गोली से 5 प्रदर्शनकारियों की मौत, दर्जनों घायल। अमेरिकी रिपोर्ट में दावा, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पत्रकार जमाल खगोशी की हत्या को मंजूरी दी। श्रीलंका ने चीन की वैक्सीन पर लगाई रोक, भारत में बनी कोविशील्ड को दी हरी झंडी। सेंट मालो में दिखा समुद्री लहरों का खूबसूरत नजारा, दीवारों से टकरा कर लहरों का दिखा अनोखा दृश्य। चलते हुए पटाखे के साथ डॉगी ने किया खेल, पटाखे को मुंह में दबाकर डॉग हाउस की ओर भागा, वीडियो हुआ वायरल। फुटबॉल खेलने के दौरान शख्स ने किए मजेदार करतब, देखते रह गए दूसरे खिलाड़ी, कोई नहीं ले पाया फुटबॉल। महिला के आंच को देख करके चकित रह गए लोग और वाइन से महिला ने बनाई खूबसूरत तस्वीर। मेंटिस की प्रजाति ने निंजा स्टाइल में दिया पोज, सोशल मीडिया पर लोगों ने निंजा मेंटिस का दिया नाम, वीडियो हो रहा है वायरल। घर में अकेले टीवी शो देख रही थी बच्ची और तभी डॉगी ने किया किसी के आने का इशारा, बच्चे की हरकतें देख हंस पड़े लोग। बाइकर और टर्की के बीच सड़क पर छिड़ी मजेदार जंग, टर्की ने बाइकर को खूब चकाया, वीडियो हुआ वायरल। इस दरवाजे के पास जाना नहीं है आसान, आपके चेहरे की स्माइल से ही खुलेगा ये दरवाजा, दरवाजे की इस तकनीक ने जीता लोगों का दिल। पानी से बाहर निकली मछली की डॉगी ने बचाई जान, पानी में जाते ही फिर तैरने लगी मछली, डॉगी के इस कारनामे ने जीता लोगों का दिल। डॉल्फिन और शख्स के बीच दिखे अनूठी दोस्ती, समंदर के बीचों बीच खेलते दिखे डॉल्फिन और शख्स। बिल्ली के रबर बैंड से खेलने का वीडियो हुआ वायरल, खेलते वक्त रबर बैंड खींचने से लगी बिल्ली को चोट।